आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अभी मैं मोहना पर अटैक नहीं कर सकती, इसने माँ को अपने वश में किया हुआ है। मैं नहीं चाहती मेरी बेवकूफी की वजह से घर वालों की जान खतरे में पड़ जाए। अंश, कहाँ हो तुम? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए तुम्हें भी इस बच्चे के साथ मरना होगा पिया। ना रहेगी पिया ना होगा बच्चा। भूल के भी ये गलती मत करना। अगर तुमने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये सब के सब मारे जाएंगे। इस वक्त अंश ही सबकी मदद कर सकता है। कहाँ हो तुम अंश? प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम लोग जानना चाहते थे ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुम्हारा शक बिल्कुल सही है पिया। मैं यहाँ तुम्हारे बच्चे के लिए ही आई हूँ। जानती हो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, शक्तियां हासिल करने के लिए कितना कुछ किया, यहां तक कि अपने बेटे की नजरों में भी गिर गई। ये सब तो मैंने इसलिए नहीं किया ना कि कल को तुम्हारा बच्चा आ जाए और मुझसे सब कुछ छीन ले। जैसे ही मुझे पता चला मेरा अंत मेरे बेटे की संतान के हाथों लिखा है, मैं यहां आ गई मेरे अंत का अंत करने के लिए। जैसे ही मुझे पता चला मेरा अंत मेरे बेटे की संतान के हाथों लिखा है, मैं यहां आ गई मेरे अंत का अंत करने के लिए। जिसे मरना ही है उसके जन्म लेने का इंतजार ही क्यों करना है, है ना? मोहना पर अटैक नहीं कर सकती, इसने माँ को अपने वश में किया हुआ है। मैं नहीं चाहती मेरी बेवकूफी की वजह से घर वालों की जान खतरे में पड़ जाए। अंश, कहाँ हो तुम? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए तुम्हें भी इस बच्चे के साथ मरना होगा पिया।
ना रहेगी पिया ना होगा बच्चा। इरादे जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। अविनाश चिताली, तुम ठीक हो ना? हाँ, वो इतने सारे सामने के चकरा गई थी मैं। आज तो कितना घबराए हुए क्यों है? तुम ठीक तो हो ना जी? हाँ शेखर जी, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है? तुम मोहना के साथ मिल करके बहू को मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं पिया, नहीं, मैं नहीं मारना चाहती थी। मैं नहीं। नहीं माँ, वह आप नहीं थी, वो मोहना थी जिसने आपको अपने वश में करके वो सब करवाया। तुम लोग मुझे मारने आए हो? Thank you.
तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार है मोहना। अगर तुम्हारे पास शक्तियां तो हमारे पास ताकत है, परिवार की ताकत, प्यार की ताकत। तभी तो इतनी शक्तियां होने के बावजूद आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। क्योंकि प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता और परिवार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। लगता है अपने आप को झूठे दिलासे देना तुम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ये मत समझना कि मोहना हार गई। ये तुम्हारी आखिरी बाजी थी मोहना, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चली गई। पिया, पिया बेटा तुम ठीक हो ना? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस परिवार को बचा लिया। मेरे साथ मोहना को देखकर थोड़े दिल पे का बीती होगी उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जी। हमारे इस नाटक से तुम्हारा दिल दुखा है जी, माफ कर दो हमको। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो हुआ उसमें आपकी गलती थोड़ी ना थी। मैं भी तो मोहना के वश में आके इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। शुक्र है माता रानी का और पिया की दैविक शक्तियों का। पिया और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। हम खामखा भाभी डायन को सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहे थे, लेकिन जिस तरह तलवारें पिया को छू भी नहीं पाई उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पिया भाभी डायन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ठीक कह रही हो तुम चेताले, तभी तो डायन डर के भाग गए। लेकिन मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं किया था, जो हुआ अपने आप हुआ। या वो इसलिए क्योंकि तुम पहले सिर्फ एक दैविक थी, लेकिन अब एक माँ भी हो। बच्चे पर आंच आ जाए तो कोई भी माँ दुर्गा बन सकती है, तुम तो फिर भी दैविक हो। हर एक माँ वो है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। एक बात तो साबित हो गई कि मोहना चाहे जो कर ले, बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई से नहीं जीत सकती। इस बच्चे को दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। अगर ये बच्चा मोहना का काल है तो इस बच्चे को मोहना अपने रास्ते से हटाने की बार बार कोशिश करेगी। चाचा सही कह रहे हैं, मोहना गई तो जरूर है लेकिन लौटेगी भी जरूर। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मोहना वापस आ ही ना सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।